मैं हूं अबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। HD रेवन्ना की गिरफ्तारी, देवेगौड़ा के घर से अरेस्ट किया गया बड़े बेटे को। DK के गले में हाथ डालने वाले नेता के गाल पर थप्पड़। प्रज्वल जीत भी गया तो डिस्क्वालिफाइड किया जाएगा, अपोजिशन लीडर का बयान। क्या CD बनाने के लिए कांग्रेस ने कहा था MB पाटिल भड़के प्रज्वल पर। प्रज्वल को ब्लू कॉर्नर नोटिस पहले ही दिया गया है, होम मिनिस्टर का बयान। प्रज्वल रेवन्ना का मामला, चुनाव पर नहीं पड़ेगा कोई असर, येडियुरप्पा का जवाब। रेवन्ना के सपोर्ट में बुलाया गया बंद, 5 मिनट में खत्म। प्रहलाद जोशी के खिलाफ जाति राजनीति के बयान पर दीका लिंगेश्वर स्वामी जी पर FIR दर्ज। बेलगाम में कांग्रेस पर रुपया बांटने का आरोप, पुलिस थाना के बाहर हाई ड्रामा। अब खबरें विस्तार से। HD रेवन्ना की गिरफ्तारी, देवेगौड़ा के घर से अरेस्ट किया गया बड़े बेटे को। प्रज्वल पेन ड्राइव मामला, अश्लील वीडियो बाहर आने के बाद रेवन्ना के लिए काम करने वाली महिला के किडनैप मामले में लापता महिला के बेटे की शिकायत पर SIT ने किया है रेवन्ना को गिरफ्तार, जिसको फार्म हाउस के घर में कैद रखने की बात कही जा रही है। पुलिस ने महिला को ढूंढ निकाला। महिला के बयान पर रेवन्ना का भविष्य अब निर्भर। SIT के दफ्तर में रेवन्ना से पूछताछ जारी। किडनैप मामले को लेकर रेवन्ना से सवालों पर सवाल किए जा रहे हैं। DK के गले में हाथ डालने वाले नेता के गाल पर थप्पड़। हावेरी के सावनूर गांव में कांग्रेस उम्मीदवार विनोद असूटी के लिए चुनाव प्रचार में आए डिप्टी CM DK शिवकुमार, कार से उतरते ही कांग्रेसी नेता ने उनसे अपना अभिमान जताते हुए DK के गले में हाथ डाल दिया, जिससे नाराज DK शिवकुमार ने थप्पड़ मार दिया। जिसके इस बर्ताव से DK ने थप्पड़ मारा। म्युनिसिपल मेंबर अलाउद्दीन मनियार है मार खाने वाले नेता का नाम। प्रज्वल जीत भी गया तो डिस्क्वालिफाइड किया जाएगा, अपोजिशन लीडर आर अशोक का बयान। हासन सांसद प्रज्वल रेवन्ना अश्लील वीडियो मामला सरदर्द बना है। BJP को JDS से की गई दोस्ती को लेकर प्रज्वल पहले कांग्रेस की टीम का खिलाड़ी बताते हुए अब तक वो BJP दोस्ती का उम्मीदवार है। अगर सांसद बना प्रज्वल जीत भी जाता है तो पार्टी के वरिष्ठ नेता क्या डिस्क्वालिफाइड कर देंगे के सवाल पर कहा कि हाँ, प्रज्वल को डिस्क्वालिफाइड किया जाएगा, कहा अपोजिशन लीडर आर अशोक ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। क्या CD बनाने के लिए कांग्रेस ने कहा था MB पाटिल भड़के प्रज्वल पर। प्रज्वल रेवन्ना साइको किस्म का व्यक्ति है, कोई सांसद ऐसा कैसे कर सकता है, घिनौना काम। JDS कह रही है कि कांग्रेस ने ऐसा करवाया है। क्या कांग्रेस ऐसा करने के लिए कहेगी तो क्या वो करेंगे। शर्म की बात है, 2000 से 3000 वीडियो मौजूद हैं। क्या हमने कहा था ऐसा करने के लिए। प्रज्वल पाताल में भी होगा तो हम उसको पकड़ कर लाएंगे, कानून अपना काम कर रहा है, कहा MB पाटिल ने। प्रज्वल को ब्लू कॉर्नर नोटिस पहले ही दिया गया है, होम मिनिस्टर का बयान। प्रज्वल कहीं भी हो इसको आना होगा। प्रज्वल को लेकर ब्लू कॉर्नर नोटिस पहले ही जारी किया जा चुका है। अधिकारियों ने प्रज्वल के ठिकानों का पता लगा लिया है, वो इसको ढूंढ निकालेंगे। SIT को कानून के दायरे में काम करने का हुक्म दिया गया है, का बयान दिया प्रज्वल मामले पर होम मिनिस्टर ने, जिसके चलते जल्द देश लौट आने की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। कानून का बढ़ता शिकंजा सख्त होने की वजह से, कहा होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने।
प्रज्वल रेवन्ना का मामला चुनाव पर नहीं पड़ेगा कोई असर, येडियुरप्पा का जवाब। शिमोगा में मीडिया से बात करते हुए किडनैप केस में गिरफ्तार रेवन्ना और अश्लील वीडियो के डायरेक्टर एक्टर प्रज्वल के मामले से चुनाव में बीजेपी जेडीएस दोस्ती और चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देवेगौड़ा को इस मामले पर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, वो अपनी तबीयत पर ध्यान दें। जेडीएस बीजेपी गठबंधन दोस्ती आगे भी जारी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं का जवाब दिया पूर्व सीएम येडियुरप्पा ने शिमोगा में। रेवन्ना के सपोर्ट में बुलाया गया बंद, 5 मिनट में खत्म। हासन के होले नरसिंहपुर में जेडीएस एमएलए एचडी रेवन्ना की किडनैप केस में गिरफ्तारी का विरोध करते हुए रेवन्ना के सपोर्टर सपोर्ट में एक दिन शहर बंद के साथ प्रदर्शन करने का ऐलान किया था, जिसके चलते भारी पुलिस बंदोबस्ती के मौजूदगी देखकर सिर्फ 5 मिनट में ही खत्म कर दी हड़ताल प्रदर्शनकारियों ने। प्रहलाद जोशी के खिलाफ जाति राजनीति के बयान पर दिग्गज लिंगेश्वर स्वामी जी पर FIR दर्ज। धारवाड़ लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी उम्मीदवार केंद्र मंत्री प्रहलाद जोशी के खिलाफ चुनाव के ऐलान के बाद से ही जारी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। धारवाड़ के नवलगुंद में कांग्रेस पार्टी के स्वाभिमान सभा में प्रहलाद जोशी के खिलाफ भाषण में हल्ला बोलने वाले स्वामी जी पर जाति समुदाय और धर्म के नाम पर लोगों के बीच दुश्मनी नफरत पैदा करने का हवाला देते हुए चुनाव अधिकारियों ने नवलगुंद पुलिस थाना में FIR दर्ज किया है दिग्गज लिंगेश्वर स्वामी जी के खिलाफ। बेलगाम में कांग्रेस पर रुपया बांटने का आरोप, पुलिस थाना के बाहर हाई ड्रामा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हमला, MLA अभय पाटिल के घर के सामने हमले का आरोप। हेब्बाड़कर के भाई चन्नराज भी पहुंचे मौके पर। अभय पाटिल अपने कार्यकर्ताओं को पकड़ कर ले जाने से नाराज भड़के कांग्रेस पर, कहा कि चुनाव में वोट के लिए नोट बांटने के हमारे पास हैं सबूत का आरोप लगाया कांग्रेस पर। अभय पाटिल ने काफी देर तक पुलिस थाना के बाहर कल देर रात दिखाई दिया ये हाई ड्रामा। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।